अब करना है, जैसे कि अभी उल्टा घूम रहा है ये माल, तो किस्त वगैरह का मामला आ गया तो दिक्कत आ जाएगी। 55-30, 55-25, 48-30, 48-25, तो ये कंपनी कम से कम 5 साल के लिए हमारे पास में है। तो जैसे अपन लोग सब बोलते हैं ना भैया, टायर का खर्चा तो जुड़ा ही नहीं आपने, इतनी जबरदस्त विजिबिलिटी है भाई इसमें, आपने बढ़ाया था आवाज भी बढ़ रही थी जी, तो इससे क्या होता है? तो फिर आप डंपर छोड़ के इस पे क्यों आ गए? कंस्ट्रक्शन साइट पे डंपर लग सकते हैं, उसका कोई आइडिया है आपको? यहाँ पे पूरा खाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। राजेश भाई हमारे साथ है और आपके डिमांड पे पेशे पीछे देख रहे हैं आप टाटा का प्राइमा, बहुत जबरदस्त ट्रक, बहुत हमारे एमपी में कम देखने को मिलता है, यहाँ पे शोरूम में भी नहीं होता। राजेश भाई यहाँ पे शोरूम में भी नहीं होता, बार बार डिमांड करते हैं ना, इसलिए रेगुलरली डिमांड पूरी करने में थोड़ी सी इसकी दिक्कत होती है। ये रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पे ट्रक चलता है, राजेश भाई चलाते हैं, तो सबसे पहले ट्रक दिखा देता हूँ, फिर पीछे की वर्किंग दिखा दूंगा, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, मतलब मेरी किस्मत देखो, आप कल ही डिमांड बहुत आ रही थी कंस्ट्रक्शन पे, जो व्हीकल चलते हैं उनका बनाओ, तो ये मिल गया। अब अपन पहले स्पेसिफिकेशन बताते बताते शुरू करता हूँ मैं। हालांकि प्राइमा एक जो नाम होता है आपको लगता है बहुत ही अलग चीज़ होगी, है अलग चीज़ ही, लेकिन इंजन सेम आता है, मैं आपको बताता हूँ और फिर चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे राजेश भाई हमारे साथ है, राजेश भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। राजेश भाई कितने टाइम से आप प्राइमा चला रहे हैं? 2.5 से 3 महीने आपको प्राइमा चलाते चलाते हो गए। तो जैसे जो दूसरे ट्रक आपने चलाए हैं पहले के, इसके पहले आपने बताया आप डंपर चलाते थे, कौन सा डंपर चलाते थे? डंपर टाटा को, लीलैंड का है, मतलब ऑलराउंडर है, कोई सा भी टाटा लीलैंड का डंपर चलाते थे, तो आपने टाटा लीलैंड के सभी डंपर चलाए होंगे मान ले अपन, तो टाटा प्राइमा और उनको चलाने में कुछ फर्क लगा आपको उसमें? और इसमें काफी फर्क है। काफी फर्क है, क्या फर्क लगता है? फर्क ये है कि उसका 250 केवी का इंजन है और इसका 300 का है, तो उससे हैवी पड़ता है, मतलब पावर ज्यादा आ जाती है। मतलब जैसे मैं आपको बता दूं, प्राइमा LX2830.K लिखा हुआ है यहाँ पे, 6.7 लीटर, 67 तो सीधी, मतलब 66 तो, हाँ 67 तो सीधी, 6700 cc का इसमें इंजन आता है, वो 301 की हॉर्स पावर आती है, 1100 Nm का टॉर्क आता है, 28 लिखा है 27600 kg, 27600 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट होता है, और ये 17500 kg पासिंग आता है, 17500 kg पासिंग आता है ना, 6 सिलेंडर ये इंजन है। हालांकि इंजन इसमें वही आता है जो आपका 22 चक्का ले लें आप, सिग्ना ले लें, जो 22 चक्का आता है, 55-30, 55-25, 48-30, 48-25, वही इंजन इसमें मिल जाता है। लेकिन क्या अलग मिल जाता है अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको इसके बारे में। पहले तो आप देख लें, ये कॉन्क्रीट मिक्सर पे ये जो है कि ट्रक बना हुआ है। अब मैं अंदर से कुछ फीचर दिखा देता हूँ। राजीव भाई आइए ना उधर से, ये देखिए, पहले तो ये चढ़ना देखें आप, ये वाला एरिया इसका देखें, बहुत नीट एंड क्लीन है, क्वालिटी एक अलग वाली है और अलग वाला फील आता है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मशीन भी चल रही है, पीछे जेसीबी भी चल रही है, पोकलेन भी चल रही है, तो बैठ जाओ ना यहाँ पे राजेश भाई। जैसे मैं यहाँ पे अगर ऐसे बैठ जाता हूँ और इसको करता हूँ बंद, तो पहली बात तो इसका फील बहुत अच्छा है, मैं जो बैठा हूँ मेरा बैग टंगा ही रहता है। मैं आप पे एक बार ऐसे करके दिखाऊँ अपने आपको, तो ये देखिए इसका स्टीयरिंग 1, 2, 3, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है, स्टीयरिंग बहुत अच्छा है और अच्छी पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ, कंफर्ट 5'9" जैसे मेरी हाइट है, तो आप बहुत कम्फर्टेबल। विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इतनी ज़बरदस्त विजिबिलिटी है भाई इसमें, मतलब जो बाकी ट्रकों से ज़्यादा अच्छा, मतलब जो दिखता है आसपास का, इधर का पीछे की विजिबिलिटी सब ले लो, टॉप नॉच क्लास वाली विजिबिलिटी आती है। ये देखिए यहाँ से क्लियर विजिबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से देखेंगे आप तो पूरा आपको ऐसे दिखेगा। तो ये है कि केबिन तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, ये इसकी MID तो नॉर्मल आती है जो बाकी ट्रक में आती है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, एवरेज बता देगा, ट्रिप बता देगा, ये सब चीज़ें, और अभी न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल लिखा हुआ है, गियर इंडिकेट बता देगा, बाकी RPM, फ्यूल, टेम्परेचर, स्पीड वगैरह सब चीज़ें दे रखी है, और बाकी इसमें हैवी, लाइट, मीडियम वो मोड आती होंगे, है ना राजेश भाई? जी। ये लाइट आ गया, ये मीडियम आ गया, ये हैवी आ गया, ये क्या चीज़ है राजेश भाई? ये रिवर्स लाइट, रिवर्स लाइट का, रिवर्स लाइट जलाने के लिए, ये तो नॉर्मल लाइट का हुआ, इंजन हंडने के पास जो लाइट होती है, हाँ वो लाइट का है। अच्छा, ये केबिन लाइट है, ये केबिन लाइट है, ये केबिन लाइट है। अच्छा, ये जो केबिन लाइट आपकी जल गई है, और ये ऊपर ये RPM क्या है? ये RPM जैसे गाड़ी का अपने को गाड़ी से हटना है, RPM बढ़ा सकते हैं, गाड़ी से हटना है मतलब, मतलब ये RPM बढ़ाने का, कम ज्यादा करने का ये। अच्छा, ये कम हो गया एकदम, आवाज भी कम हो गई, और आपने बढ़ाया था आवाज भी बढ़ रही थी, तो इससे क्या होता है? इससे गाड़ी में अपन कम लोड पे खाली कर सकते हैं, मतलब ज्यादा एक्सीलेटर अपने पैर को देने के। अच्छा, देने अच्छा होता अपने आप एक्सीलेटर, वो तो वाह यार क्या जबरदस्त चीज है इसमें। और ये हैवी का है, शायद इसका फ्यूज वगैरह हो गया है, इससे 15 के RPM पे पहुंच जाता है, बाकी तो नॉर्मल AC आता ही होगा इसमें। हां, AC
और ये हेल्प वाला बटन दे रखा है, ये हैंड ब्रेक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिवर्स मिला के, लो गियर मिला के और रिवर्स मिला के पूरे 10 गियर है ना सब कुछ, और गियर भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज है? अच्छा इसको बनाया नहीं है अभी, मतलब ये कंपनी केबिन वाले ये है। तो राजेश भाई जैसे डैशबोर्ड बड़ा खूबसूरत है यार, जैसे यहाँ से आप देखेंगे ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, और फिर ये डैशबोर्ड आ गया इसमें। राजेश भाई एक बात सवाल था आपसे, जो डंपर आप चलाते थे तो डंपर में तो काफी अच्छी पेमेंट मिल जाती है, तो फिर आप डंपर छोड़ के इस पे क्यों आ गए? डंपर तो ज्यादा पेमेंट सर देखिए, डंपर हमारे कुछ पहचान वाले भी चलाते हैं, एक तो 1200 से 1300 डेली का भत्ता मिल जाता है उसमें, तो 7-8 हज़ार पेमेंट महीने के अलग से, तो इसमें क्या मिल जाता है? इसमें तो क्या है, कंपनी हम रेगुलर आज 1.5 साल से है, तो ये कंपनी कम से कम 5 साल के लिए हमारे पास में है, तो घर नजदीक होने के कारण हम यहीं के यहीं अप डाउन करते हैं डेली। तो क्या उसमें पेमेंट मिल जाता है? पेमेंट है अपने को 18,000 मंथली। तो ये आपने चालू क्यों रख रखा है इसे? ये चालू इसलिए रख रखा है क्योंकि माल लोड है गाड़ी में, माल लोड है, अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो पीछे का सिस्टम भी बंद हो जाएगा। अच्छा ये पीछे का जो सिस्टम, इसमें सीमेंट मिक्सचर लगा हुआ है जी, तो ये छोटा वाला भी आता है, बड़ा वाले भी आता है? छोटा भी आता है। फर्क होता है क्या उसमें? फर्क होता है ना, छोटे वाले में पीछे इंजन दिया होता है उसका, तो गाड़ी बंद कर दो उससे कोई मतलब नहीं होता है, और इसमें बड़ा सिस्टम, बड़ी गाड़ी है तो इसका सिस्टम गाड़ी से ही कर, डायरेक्ट इंजन से किया है, डायरेक्ट गाड़ी से कनेक्ट है यही से ही। यहाँ से कैसे क्या ऑपरेट करते हो? कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर दिया, पीछे उसका 2 बटन दिया हुआ है, एक तो खाली करने वाला और एक लोड करने। देखिए अपन पीछे चल के एक बार, चलिए एक बार पीछे चल के देख भी लेते हैं, थोड़ा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यार का एक हाथ से शूट करता हूँ ना, बाकी सीट में देखो एडजस्टमेंट वगैरह कुछ ज्यादा मिलते नहीं है, बस ये एक एडजस्टमेंट दे रखा है वो भी डिफरेंट स्टाइल में, और ये ABC पैडल भी दिखा दूँ आपको, ये थोड़ा नॉइस आएगी आपको, बाकी कलर अच्छा है, ये एग्जॉस्ट है, डीजल टैंक 375 लीटर का, एडलू टैंक, ये देखिए ये पूरा जो है चल ही रहा है। राजेश भाई कहाँ से क्या दे रखा है इसका सिस्टम? ये लॉक हो गया, ये लॉक हो जाता है तो ये काम नहीं करता है, ये लॉक हो जाता है तो नीचे वाला काम नहीं करता है, तो वो लॉक करना क्यों उसको? लॉक करना है जैसे कि अभी उल्टा घूम रहा है ये माल, तेज कम ज्यादा करने का है। अच्छा तेज ये अभी रुक गया पूरा, ये रुक गया, ये न्यूट्रल कर दिया मैंने, न्यूट्रल कर दिया आपने, ये चलाएंगे तो चल जाएगा, ये चलाएंगे तो चल जाएगा, और ये ऊपर वाला लॉक के लिए, ये लॉक के लिए, हाँ मतलब ये इसको किस स्पीड पे लॉक करना है अपने को नीचे वाले को, और ये तो वो ग्रिप स्पीड है, बस यही सिस्टम रहता है इसमें है? और ये जो ये पाइप वाला सिस्टम है, पानी छोड़ने वाला है इसमें। अच्छा ये पानी की टंकी का है इसकी, इसकी इसमें पानी की टंकी लगी आगे, 1 2 3 4 5 10 टायर 500 लीटर की, बस मतलब बाहर से खाली यही सिस्टम रहता है इसका, बाकी और कोई सिस्टम नहीं। तो इससे अच्छा ये क्या तामझाम है सब? ये पानी का प्रेशर छोड़ने कम जाने करने वाला है, पानी का प्रेशर, और ये देखिए पूरा जो इसका पीछे का सिस्टम तामझाम घूम रहा है, उधर का फिल्टर लगा हुआ है। आइए राजेश भाई, मतलब ये वाली कुछ ऐसी सिस्टम है जो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, ये देखिए प्रेशर टैंक बड़े बड़े लगे हैं, स्पेयर व्हील लगा हुआ है, और बाकी ये पूरा तामझाम है, इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब इधर से ही करना पड़ता है, इसमें जो भी करना पड़ता है। ये जैसे अब चला दिया इसको, यहाँ से पानी लोड करते हैं ये वाला, मतलब ये पानी लोड करने का, उधर से वो प्रेशर एडजस्ट करने का, पीछे से बंद चालू, बस यही सिस्टम है इसमें। ये अच्छा यार, भाई को गाली लगाना है तो मैं भी थोड़ा सा इसमें बैठ के एक बार देख लेंगे कैसे क्या चलता है। कंफर्ट तो बहुत है यार, इसको बंद कर देते हैं। कंफर्ट है यार ये तो, है बिल्कुल, मतलब ऐसा कार जैसा फील हो रहा है, और ये तो बड़ा नीचे उतर रहा है यार अपन। बहुत स्मूथ उतर गया भाई ये, है दूसरे ट्रक जैसे बहुत ही, मतलब ये चीज अच्छी, केबिन एबिन भी बड़ा बिल्कुल हिल नहीं रहा है बिल्कुल, इतना ऑफ रोड करने के बाद भी भाई रिवर्स लगा रहे हैं। Thank you.
माल खाली होगा इसमें सब। हाँ, माल लग गया। अभी तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा अभी। अभी लग गया अपनी जगह पे। ये देखिए ये क्या यहाँ पे लग चुकी है वो पीछे जो बड़ा सारा गड्ढा दिख रहा है आपको, इधर ऊपर से दिखाऊं ब्रिज के लिए बन रहा है वो गड्ढा भी दिखाई दूंगा आपको, वहाँ पे ये खाली होगा पूरा, यहाँ पे पूरा खाली होगा। चीज़ और बता दीजिए फिर हम चले जाएंगे तो हमारी जानकारी पूरी हो जाएगी। कितना माइलेज देता राजेश भाई एवरेज? एवरेज का तो उसका जानकारी नहीं है क्योंकि गाड़ी 5 घंटे भी खड़ी रहती है, 6 घंटे भी खड़ी रहती है। 5 घंटे भी खड़ी रहती है, 6 घंटे भी खड़ी रहती है तो एवरेज का कोई ऐसा ठिकाना नहीं। अब जैसे ये तो कंस्ट्रक्शन वालों की खुद की होगी राजेश भाई, है ना? जो यहाँ पे डंपर चलते हैं ये किसी और के चल रहे हैं? नहीं नहीं, ये जैसे शुक्ला उकला के डंपर चल रहे हैं ना भोपाल के अपने, नहीं इस कंपनी में नहीं चल रहा है, कंपनी में नहीं चल रहा, लेकिन जैसे माल उठाना है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे डंपर लग सकते हैं, उसका कोई आइडिया है आपको? है उसका कोई आइडिया नहीं कंस्ट्रक्शन धन पर डंपर वगैरह लगने का, बस ये ट्रक का पूरा आइडिया है। हैं ये भी लगता है या फिर किसी का लग सकता है क्या, कोई लगाना चाहे तो? कोई लगाना चाहे तो लग नहीं सकता है, वो तो मालिक खुद अपना कंपनी का खुद का ही है। अभी 5 गाड़ी और भी आ रही है, 5 गाड़ी और, ये टाटा प्राइम है, ये हाईवा में आता ना, ज्यादातर हाईवा में चलता है, ये किसी भी चीज़ में चला सकते हैं ये, इसमें कोई आइडिया है ये पूरा तामझाम कितने का होगा? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये जो है ना, अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अटैचमेंट वाली मैं बता देता हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा आप लोगों को नॉइस प्रॉब्लम हुआ होगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि नॉइस थोड़ी सी है यहाँ पे ज़्यादा। जैसे भाई को जितने इन्फॉर्मेशन बता दी वो तो उन्होंने बता दी, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर अटैचमेंट का मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था, लेकिन अभी नए हैं आप तक बता दूँ कि जैसे ये वाले जो ट्रक होते हैं ये तो लगते नहीं, जो डंपर ट्रक है वो लगेंगे आपके 1,80,000 से 2,00,000 के पेमेंट, मंथली पेमेंट पर वो लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आपका कैसा आपकी किसी जो एग्रीमेंट होता है किसी बात होती है उस हिसाब से लगेंगे वो। जैसे कि आपकी बात ये थी कि ड्राइवर का पेमेंट हम खुद देंगे, तो उसमें आप ड्राइवर का पेमेंट आपको देना पड़ेगा या फिर ड्राइवर का पेमेंट वो देंगे, और उसमें ट्रक के मेंटेनेंस की बात होती है, सर्विस की बात होती है, ट्रक के टायर की भी बात होती है। जैसे अपन लोग सब बोलते हैं ना भैया टायर का खर्चा तो जोड़ा ही नहीं आपने, इसका खर्चा तो जोड़ा ही नहीं, तो वो एग्रीमेंट में बात होती है। तो मैं आपको एक एस्टिमेट बताऊं, जो जैसे जो लोग ने अटैच करके 2-3 लोग कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को क्लियरली वीडियो में आके नहीं बताना चाहा क्योंकि उनके पास ज़्यादा ट्रक है, हो सकता है डर रहे हो कुछ चीज़, लेकिन वो पहचान उन्होंने बताया, देखो भाई अगर नया ट्रक लेके भी अटैच करते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको 5 से 6 साल वाली साइड मिलना चाहिए, क्योंकि साइड बीच में रुक गई तो किस्त वगैरह का मामला आ गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो सीधा सिंपल मामला ये है कि सब कुछ काट पीट के सारा खर्चा वर्चा निकाल के अगर इतने पे भी लगता है तो आपको बचेगा 40 से 50 हज़ार मैक्सिमम महीने का बस। चलिए अब मेरा निकलने का टाइम होगा, और एक बात और बता दूँ, अगर इतना भी बचता तो उससे फ़ायदा ये है कि आप नया ट्रक कुछ लेते हैं तो आपका जो है कि ट्रक फ्री हो जाएगा, वो वाला ट्रक फ्री हो जाएगा, और जो ज़्यादा कमाते होंगे जो एक्चुअल है जो चलाते हैं जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उनका इंटरव्यू अपन अलग ले लेंगे कि भैया ज़्यादा भी बचाते हैं वो, बाकी इतना जो 2-3 लोग जो एक्चुअल में इतना कमाते हैं हमारे आसपास के हैं वो आने में थोड़ा डरते हैं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी करी थी उनसे वो आ नहीं पाए थे वीडियोज़ में, तो वो तो इतना कमा लेते हैं, भाई लोग ही पहचान के हैं वो, लेकिन क्या रहता है बहुत से लोग कैमरा कॉन्शियस रहते हैं ना, तो जो हर किसी का कैमरे में आके बोलना वो चीज़ हो नहीं पाती है, तो मैंने आपको ऐसे बता दी। लेकिन जो बंदा एक्चुअल में इससे ज़्यादा भी कमाता हुआ या कोई और क्राइटेरिया भी होगा तो वो तो नहीं पता, जितना अपने को नॉलेज पता था भाई लोगों से जो मिला वो मैंने आपको बता दिया, बाकी भाई के साथ जो इंटरव्यू था वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ट्रक कैसा लगा, चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई लोग। तो ये था अपना छोटा मोटा वीडियो, गाइस होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करना, आपको भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।